वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, अदाब, बर्ज। मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर। मैं टीवी 84 के सारे दर्शकों ते स्रोतियां नूं जी आया कहिंदी आं, प्रोग्राम सचो सच विच जिहड़े इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तों जुड़ चुके ने। खालसा अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह जी रोज़ाना ही तरह स्टूडियो में मेरे नाल हाजिर ने, उन्होंने गलबात करके अज के अहम इशूज उपर उन्हां तों उन्हां दा तबसरा जानते हैं। जी राज साहब, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानू भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे प्यारे सोहणे सियाणे टीवी 84 दे दर्शकां नू भी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, ते साडे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम वालेकुम। जी राज साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया। जी राज साहब, अज 25 अगस्त 2020 10 पादो नानकशाही संबत 552 दा दिन है। ते राज साहब, प्रोग्राम शुरू करन तों पहलां असीं अपने दर्शकां ते स्रोतियां नू हमेशा तरह दस्सीए, व्यूअर्स, जे तुसीं हक, सच, इंसाफ ते पैरा दिन दा इको इक चैनल टीवी 84 नू देखना चाहुंदे हो तां तुसीं देख सकदे स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बैल 5 केबल इन कैनेडा, रोकू, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक, टीवी 84 दी ऐप राहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड आईपी बॉक्स ते तुसीं टीवी 84 नूं देख सकते हो। व्यूअर्स, जे तुसीं टीवी 84 नाल जां प्रोग्राम सचो सच नाल फेसबुक राहीं जुड़े तां इस नूं वध तों वध लाइक करो ते शेयर करो अते नाल ही यूट्यूब ते सबसक्राइब भी करो। ये भी दस दिए कि तुसीं टीवी 84 दी ऐप नूं एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर ते डाउनलोड करके जो टीवी 84 दी लाइव स्ट्रीम है उस नूं तुसीं 24 आवर्स देख सकते हो। व्यूअर्स, हुण असीं अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर जा रहे हैं। प्रोग्राम के शुरू के आपां गलबात कर जा रहे हैं अज का जो पहला अहम इशू है उस बारे के किस तरह भारत के जो हिंदू तवी हाकम जिथे हर घरेलू फ्रंट पर बुरी तरह फेल होए ने उत्थे उन्हां दी फॉरन पॉलिसी का पूरी तरह जो है जनाजा निकल गया है। और अफगानिस्तान के मुद्दे पर अपने आप को एक धिर समझण वाले भारत को उदों एक जोरदार और जबरदस्त धक्का लगा जदों पाकिस्तान ने इस्लामाबाद दे विच तालिबान दे वफद नाल गलबात विच चीन दे अफगानिस्तान विच अंबैसडर नूं मुख वार्ताकार वजों गलबात विच सद्दा दिता। सो एक पाकिस्तान दा जो डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक है, सो ये साबित होया है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल स्टार्टिंग तों लै के एंड तक इसी तरह ही बने रहना, देखन सुन ली तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, की विचार ने इस मुद्दे बारे? देखो, असी कल जिहड़ा प्रोग्राम कीता है साडे चारों ही सैगमेंट साडे दर्शकों वालों बहुत सराहे गए जी, बहुत ज़्यादा कमेंट भी ने उहदे ते। और जाहिर है सानू खुशी हुंदी है जदों के सानू इनपुट मिलती है, और वो इनपुट हर पक्ष तो हुंदी है जिथे रूहानीयत नाल जुड़े हुए साडे वीर भैण उस सैगमेंट दे विच अपने व्यू दिंदे ने। उत्थे सियासी तौर पर खास तौर पर साउथ एशिया दे विच जो चेंजेस हो रही हैं उस दे विच इंटरनेशनल इंटरवेंशन की है, भारत किवें बुरी तरह जिहड़ा वो पछाड़िया जा रहा हर पास्यों, और कुल मिला के ये सरकमस्टांसिस जिन्हें अज ने वो किवें खालिस्तान की आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी दे लई लाभकारी ने, इन्हों का फायदा है, इस दे उत्ते भी सानू इनपुट मिलती है। और कुछ वीर भैणों वालों ये भी इंसिस्ट किया जाता है कि असी जिहड़ा व्हाट्सएप नंबर पर गलबात करिए जां अदरवाइज गलबात करिए। सो मैं बहुत बार महसूस करदा कि भी तुहाडे सुझाव साढ़े तक पहुँच जाते हैं, जे तुसी sos@tv84.tv ते लिखो उहदे च असी डिस्कस भी करते हैं। हालांकि कई बार जदों दूसरे टॉपिक ओवरवैलमिंग हुंदे ने ते असी प्रॉपरली मेल तुहाडी एड्रेस नहीं करते, लेकिन वो साढ़े रिकॉर्ड हुंदे। और रुझेवें भरे दिन और अदरवाइज भी खास तौर पर जिवें पंजाब तो भारती कब्जे वाले तो सानू कई नौजवान लिखणगे, कई डेस्परेट भी हुंदे ने गलबात लई, सानू तुहाडी सिक्योरिटी का भी बहुत ध्यान रहिंदा है। मैं इस गल नूं समझदा कि इस वेले उन्हां दा साइबर स्पेस होए दूजे एजेंट होण वो उन्हां नूं ही जिहदे च बेशक इनकमिंग कॉल ही है, गलबात नहीं भी होई, इस बिना दे उत्ते भी नौजवानों नूं चुक्या जा रहा। और मैं घट्टो घट पिछले 30 साल के अपने इस सफर दे विच ये गल मन के ही तुरिया कि ये जिहड़ियां फोन लाइनां ने ये
फोन लाइनज नहीं ने, कम्युनिकेशन लाइनज नहीं ने, ये रियल माइंस ने, और इन्होंने ही उन्होंने साड़ी जुझारू लहर वेले भी साढ़े वीर बहुत बार इतिहात नहीं सी वरतते, वो समझते सी कि भाई उन्होंने एक्सचेंज चो किया है जां डिफरेंट नंबर जां डिफरेंट, ये बहुतियां नूं एहसास ही नहीं है कि किस किस्म के डिवाइसिज, और हुण जदों ये सामने आया कि किवें फेसबुक ने कंप्रोमाइज की अपनी पोजिशन, यूट्यूब ने की हुई है, किवें यही नहीं कि इन्हां दे बंदे जिहड़े हिंदू तवी विच बैठे ने ਉਹ ਕੰਡੂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਅਗਸਤ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਟਵੀਟ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖੀ ਦਾਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ करती धरती बन के जिहड़ी मिलियनज ऑफ डॉलर्स की बिजनेस दे रही है फेसबुक नूं। सो मैं ये जिहड़ा सलाह भी देना चाहुंदा कि अपने असी चाहुंदे हैं, असी तुहाडे जज्बे दे कदरदान हैं, तुहाडी कुरबानी भावना दे बहुत सारे ऐसे ने कुछ भी फेस करन नूं तैयार ने, वो साढ़े कहण ते जान देण नूं असी समझदे नहीं। इस वक्त है कि असी अपने आप नूं संभाल के रखीए, साडा दुश्मन शातर है, वो बड़ी चलाकी दे नाल उस किस्म दा जज्बाती माहौल सिरजदा है जिहदे चों जिहड़े आज़ादी दे परवाने ने वो छाल मार के निकल आंदे ने, और वो फिर उन्हां दे उस ट्रैप दे विच फसदे ने। और जाहिर है असीं देख रहे हैं पिछले सारे पीरियड दे विच किन्ने नौजवान, जे ईवन दिनकर गुप्ते दा कल मैं जिक्र कीता सी, जिहड़ा डी जी पुलिस है, उन्हें कहा है कि जी 400 नौजवान असीं डी रेडिकलाइज कीते ने, मतलब ये भी जिन्हां दी कोई उन्होंने पोस्ट देखी, किसी ने कमेंट किया होया, उन्होंने उन्होंने चुक लिया घरों, और उन्होंने भी तुम दसो की है, सारे रिकॉर्ड टबरां दे लै ले, नाल ही वार्निंग दे के छड़ता। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, असीं उन्होंने समझा दिता है कि खालिस्तान काम की चीज़ नहीं है। सो मैं ये जितों तक भी साडा ये आवाज़ जाती है, ये मैं जरूर ताकीद करना चाहुंदा। और कुछ सानू जदों असीं कल गल कर रहे सी कि किवें भारतीय हाकम खास तौर पर मोदी, अमित शाह, जिहड़े अपने आप नूं एक कां वांग सियाणे समझदे सी, अल्टीमेटली किवें कि साडे पंजाबी तहजीब किवें मन्निया जांदा है कि भाई जिहड़ा कां अपने आप नूं सियाणा समझदा है अल्टीमेटली गूं ते डिगदा है। और साडे एक सिख वीर ने, और मैनूं इह सी कि भी इस दे उत्ते कोई ना कोई गुरबाणी कोट है, पर गुरबाणी च तां नहीं है, भाई गुरदास जी जिन्हां दी रचनावां नूं असीं जिहड़ा कीर्तन दे विच वी गायन करदे हां, उन्हां दा एक भाई गुरदास जी दा श्लोक जां वार चों होएगा, उहदे च उन्हां ने कहा गल्ली जे शौ पाई है तोता क्यों फासै, मिले ना बहुत सियाण पै कौ गूं गिरासै। भाई गुरदास जी ने दोनों नूं ही उन्होंने कहा कि भी जे बहुतियां गल्लां कीतियां रब मिलदा हुंदा, प्यारा मिलदा हुंदा, फिर तोता तो सारा दिन जिहड़ा लगा ही हुंदा कुछ ना कुछ, फिर वो जिहड़ा बोलण वाला तोता है वो फस किवें जांदा है पिंजरे च, तोता तो आना ही नहीं सी जा, क्योंकि जे सिर्फ बोलण दे नाल सियाणप हुंदी फिर तोता पिंजरे च ना फसदा, मिलिया ना बहुत सियाणप है। तो भाई साहब भाई गुरदास कहिंदे ने जे सियाणप दे नाल सो कॉल्ड जिहड़ी फोकी विजडम है उहदे नाल रब मिलदा हुंदा, कौं गूं गिरास है, कां जिहड़ा अपने आप नूं बड़ा सियाणा समझदा वह गूंज क्यों डिगदा। सो जाहिर है मैनूं चंगा लग्या कि भाई साडे वीर बैठे ने, पूरी हर गल नूं देखदे ने, और उन्होंने लग्या कि भी ये एक्सप्रैशन कल्ला साडे फोकलोर दा एक्सप्रैशन ही नहीं है, ये रूहानियत दे विच भी, और साडे भाई गुरदास जिहड़े इन्हां दीआं रचनावां सैकंडरी सोर्स है उन्हां दे नाल। हाँ, एक मैं ये भी दस दें कि वीर लाल सिंह जिन्हां दा नाम मनजीत सिंह है, लाल सिंह करके वह मशहूर होए, जिहड़े 28 साल दी जेल कट्टण तो बाद ये भी भारत दे विच और सिख प्रिजनर्स दे हवाले नाल शायद सब तो ज़्यादा टर्म है, 2 दिन पहला ही रिहा होए ने। कल उन्हां दे वकील जसपाल सिंह मंझपुर होरां दे नाल गुफ्तगू 9:30 के प्रोग्राम च हुई सी, अमरवीर सिंह ने गलबात की और वो साडे दर्शकों ने उन्हें बहुत पसंद किया, और असी जिहड़ा कोशिश की कि उन्हां नाल संपर्क होए जिहड़ा होया, और उन्होंने बड़ी जिहड़ा इस खुल दिली दे नाल कहा भी वो गलबात करनगे। सो अज 9:30 to 10 तक भाई लाल सिंह होरां दे नाल एलियास मनजीत सिंह जां असल नाम मनजीत सिंह उन्हां दे नाल
अमरवीर सिंह गलबात करनगे जिहड़ा उन्होंने 28 साल के एक्सपीरियंस सालों विचों पैरोल भी होंदी रही और असी ओवरऑल जिहड़े बाकी सिख इशू भी चल रहे ने किवें नौजवानों की फड़ोफड़ी है और जर्मनी दे विच किवें एक सैकंड ट्रायल जिहड़ा हुण एक राह दे एजेंट दे उत्ते जर्मन अथॉरिटीज़ कर रही हैं जिहड़ा कि सिखां और कश्मीरियां दे उत्ते जसूसी करदा सी। उस तो पहला एक कपल ऑलरेडी उन्होंने कन्विक्ट भी होया हो। सो ये साबित करता है कि भाई ये जिहड़ा इन्हां एजेंसियां दा नैटवर्क है वो उत्थों तक महदूद नहीं है, इत्थे भी उन्हां दी किन्नी डूंगी पकड़ है। और हुण असीं अपने विषय वल आंदे हां। ज़ाहर है कि असीं जदों पाकिस्तान दीआं प्राप्तियां दी गल करदे हां सो कई जिहड़े जिन्हां दी ब्रैड बटर जिहड़ी आ नैगेटिविटी जां जे इस नूं ट्रोलिंग कहिंदे ने उस दे उत्ते हुंदी है, साडे ते भी छड्डे होए ने, उन्हां दी प्रैक्टिस है जिहड़ा भी उन्हां नूं लगदा है कि भई इन्हां नूं चैलेंज करदा। लेकिन बहुत वार ये हुंदा है कि भी तुसीं सच नूं किन्ना क लुको सकदे हो, जिन्ने मर्जी तुसीं करो 100 जिवें सियाणे कहिंदे ने भी एक सच नूं लुकाउण लई 100 झूठ बोलना पैंदा, पर झूठ फिर भी झूठ हुंदा, बशर्ते कि उन्हूं चैलेंज कीता जाए। जे चैलेंज ना कीता जाए, जे सारे रले होण, और अक्सर ये उर्दू दे कपलेट दे नाल जुड़िया होया कपलेट अक्सर साडे स्टूडेंट दे नाल पता नहीं आया कित्थों है कौन इहदा लिखारी है, पर ये चलदा हुंदा सी बैंतबाजी जिहनूं कहिंदे सी कि भाई किसी ने एक जिहड़ा कहा कि भाई सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, बनावट के फूलों से कभी कागज के फूलों से जी। तो हुण उन्हें कह गलत सी कि भाई जिहड़ी है सच्चाई भी बाहर आ जाती है और दूसरा भी है जी। पर नाल दी नाल दूसरे ने उहदे ते उहदा जवाब दिता है, सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है अगर फूलों में तेल हो। जे फ्रैगरेंस सो मतलब यह है भी जदों हकूमती निज़ाम मेल जे उन्हां दी हुण जुडिशरी उन्हां दी लैजिस्लेचर उन्हां दी एग्जैक्टिव उन्हां दा मीडिया सारे रले हुए ने मिले हुए ने, जिहड़ी ओपोजिशन है उहनूं इन्नियां जिहड़ियां पलसेटियां वज रही हैं कि कांग्रेस दा उन्हां दी AICC दा सैशन सी दो दिन पहले जां वर्किंग कमेटी दा सी, किवें आपस च जुत्तो जुत्ती हो रहे ने। 26-27 कांग्रेसी लीडर जिन्हां सीनियर ने वह कह रहे हैं जी कि तब्दीली करो, सोनिया गांधी बीमार है कैंसर तो पीड़ित है वह छड के राजी नहीं, राहुल गांधी जी वो मन के राजी नहीं, हुण उन्हूं 6 महीने का दिता है कि जी 6 महीने दे लई सोनिया गांधी रहेगी। सो मतलब ये है भी 1,350,000,000 लोगों च जिहड़े अदारियां दी असी गल कीती वह भी रले हुए ने हिंदू तवियां दे उस सारे दे नाल, और जिहड़ी ओपोजिशन है जिहड़ी पहलां भी हिंदुत्वा दा ही कार्ड उन्होंने खेडिया वह बाबरी मस्जिद का इशू होए और कांग्रेस ने सिखां नाल की कीता, और जो उन्होंने सिखां नाल कीता कांग्रेस ने इंदिरा गांधी ने टैंकां तोपां नाल हमला 1984 दी नसलकुशी उन्हें ही इन्हां नूं स्ट्रेंथन कीता, इन्हां ने गुजरात 2002 च मुसलमाना दी नसलकुशी कीती। सो कुल मिला के इस माहौल च जदों बाहरली आवाज़ नूं भी हुण बाहर सोशल मीडिया है, हुण जे उन्हां ने फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये सारी जिहड़े जिन्ने भी होर ने ऐप्स उन्हां ते भी उन्हां दा कंट्रोल है, तो बेचारा TV 84 किहदा पाणी हार है, लेकिन इहदे बावजूद उन्हां नूं इस दी तकलीफ है क्योंकि अल्टीमेटली जदों तुसीं एक वड्डा ईगो बैलून जिहड़ा बिल्कुल झूठ दे और उस हवा नाल भरिया होया और उन्हूं जे तुसीं थोड़ा जिहा भी पंक्चर कर दिओ तो फड़क हो जांदा काम। सो इस सारे च असीं समझदे हां कि भारत दे लई अपने आप नूं किसी लैवल ते वी, और जिहड़े थोड़े बहुत जिन्हां नूं मैं पैट्रियोटिक इंडियन ही कह सकदा कि बई वो समझदे ने भी इंडिया जा रहा है, ये टुटेगा जो उन्हां ने हाल इन्हां दा है और जो इन्हां ने चज अचार गवा के जो कुछ जिस पासे तुरे हुए ने वो विचों कहण दा यतन भी करदे ने किते ना किते, भावें इन द एंड ऑफ द डे भुगतना उन्होंने भी उन्होंने हक च ही है, किसी का जी नहीं करता कि बई कौन ऑन द हार्म्स वे आंदा, वो तो आज़ादी के परवाने होंदे ने, सिख लड़ रहे ने कश्मीरी खलोते ने कोई होर माड़े मोटे आ जाएंगे, बाई एंड लार्ज असी
और इन्हां जो जिहड़े चैलेंज करन वाले ने बहुत सारे कहिंदे अपने आप नूं प्रोग्रेसिव ने लेकिन लैफ्टिस्ट ने। सो जदों इन्हां दी प्रॉब्लम जिहड़ी है जिथे हिंदू राष्ट्र दे तों भावें इन्हां नूं होए कि जी दा नां हिंदू ना रखो, वैसे हिंदू है राष्ट्र मेजोरिटी है, पर जदों सिखां दी गल आएगी कश्मीरियां दी आज़ादी दी गल आएगी, अजे तक मैं नहीं देखिया है कि इन्हां चों किसे ने कहा होए जी कश्मीर दे विच यूएन सिक्योरिटी कौंसल दे रेजोल्यूशन मुताबिक प्लेबिसाइड कराओ। वध तों वध हुण कहणगे, वह भी कहणों हट गए कि जी आर्टिकल 370 या 35A जिहड़ा है वह लागू करो, लेकिन फिर भी कितें ना कितें कोई लिखते दस दें। और जदों असीं रिपीटडली कहिंदे हैं कि चीन ने भारत नूं हर पास्यों धोबी पटड़ा मारिया, मिलीटैरली भी, डिप्लोमैटिकली भी, फाइनैशियल 15 ट्रिलियन डॉलर की उन्हां दी इकोनमी है, उन्होंने किवें सारी कॉन्टीनेंट्स एशिया दे विच, अफ्रीका दे विच, साउथ अमेरिका च हर थां ते उन्होंने पहुँच बनाई हुई है। भारत दे लई तां अक्सर यही है भी क्या पिद्दी का शोर वा, लेकिन इहदे बावजूद जे मोदी जिहड़ा है वह मोर दे नाल मोर नूं दाणे पा रहा है, चुगा रहा है, और वह कह रहा है कि मोर दा दी रुण चुण सुन रही है, लेकिन बाहर मसलियां दा जिहड़ा शोर है वह नहीं सुन रहा। लेकिन मैं समझदा हाँ भी पाकिस्तान जिहनूं बहुत वार भारत वाले समझते हैं कि भी ये साढ़े सामने की है, लेकिन डिप्लोमेसी के लैवल पर भी हूँ जदों पिछले दिनों जोड़े शाह महमूद कुरैशी उन्होंने स्टेटमेंट दिती OIC के मुद्दे पर कि भाई उन्होंने एग्रेसिव स्टांस लेना चाहिए, इन्होंने पूरा घुमाया जी, सऊदी अरेबिया नाराज हो गया, उन्हें पैसे वापस मंग ले, उन्हें फलाना कर लिया कि जी छड़ गए साथ कश्मीर के मुद्दे पर चीन के हवाले नाल, टाइम टू टाइम मिस इनफॉर्मेशन होएगी जी CPAC तो चीन जिहड़ा प्रोग्रेस नहीं हो रही, नाराज़ है, अमरीका ने चुप कराता, इन्हें कराता, उन्हें कराता। लेकिन पाकिस्तान ने हुण जदों शाह महमूद कुरैशी चीन के दौरे पर गए ने, जिहड़ी जॉइंट स्टेटमेंट स्ट्रोंगली आई उहदे ते फिर रैटल होए, इन्हां दी फॉरन मिनिस्ट्री ने उहदे ते जिहड़ा वो अपना रिजर्वेशन दित्ती जां उहनूं कंडेम कीता इन्हें वे। हुण इन्हां दे मीडिया जिहड़ा द प्रिंट है जिहड़े दे च लैफ्टिस्ट ने और ज्योति मल्होत्रा जिहड़े जिहड़ा बीबी है जां बंदा है पर कॉलमनिस्ट दे तौर ते कई बार छपदे ने लेख, उहदा एक राइट अप अज ही जिहड़ा इस प्रिंट दे विच आया और इहदा टाइटल है हियर इज वट चाइना इज़ डूइंग इन बंगलादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, इट डजेंट लुक गुड फॉर इंडिया। सो असी ऑलरेडी क्योंकि बंगलादेश की डिटेल भी डिस्कस की है, इन्हें होर भी एलैबोरेट किया है भी की चल रहा है, नेपाल बारे भी है, अफगानिस्तान हूँ अफगानिस्तान के बारे ये तो है कि इंडिया बाहर सी जी पीस स्टॉक अमरीका इन्होंने जालमे खालिलजाद शायद ना है, मैं हमेशा ही गलत प्रोनाउंस करता है, खालिलजाद उन्हें इनिशिएट की, अमरीका के रिप्रजेंटेटिव ने बीजिंग भी मीटिंग हुई, काबुल च जड़ा इस्लामाबाद भी, और जाहिर है रशिया भी उहदे च इनवॉल्व होया, और वो जिहड़ी है जिहनूं कहिंदे ने कि भी वो कितें स्टार्ट हुंदा है कितें इंजन फिर बंद हो जाता है, वो हिकअप्स चल रहे ने गलबात दे। और हुण ये खबर सी कि भी जदों इंडिया ने बड़ा रीजॉइस किया इन्हां दे मीडिया ने कि देखो जी पाकिस्तान सैंक्शंस तालिबान टू अवॉयड ग्लोबल फाइनेंस ब्लैकलिस्ट, कि जिन्हां नूं अमरीका ने टैरर लिस्ट तों कढ़िया होया है, जिन्हां दे नाल गलबात चल रही है, डायलॉग है तालिबान दे नाल, क्योंकि वो UN की लिस्ट च ने और पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिकल उस ब्लैकलिस्ट चो निकलना चाहता है कि भई उन्होंने उनका वॉच लिस्ट रखा हुआ, तो उन्होंने अफगान मतलब ये इमेजिन करते कि ये तालिबान होर नाराज हो जाएंगे और उन्होंने लगेगा देखो जी सानू तो इन्होंने इंटरनेशनल दहशतगर्द बनाया। लेकिन इस दे उल्ट जदों ये खबर आई कि भी तालिबान का डेलीगेशन जिहड़ा हायर लैवल जिन्हां उन्हां दा वो बंदा भी जिन्हें नैगोशिएट किया है अमेरिकन रिप्रजेंटेटिवस के नाल भी वो इस्लामाबाद आ रहे हैं शाह महमूद कुरैशी के नाल मिलना है, और फाइनल जिहड़ा स्टेलमेट है क्योंकि ऑलरेडी प्रिजनर तो उन्होंने छुड़ा ले बहुत सारे, हालांकि विच विचाले धमाके भी हो रहे हैं, कल भी होया 15 किन्ने लोग मारे गए, कौन कर रहे हैं कौन नहीं, पर जाहिर है वो लोग कर रहे हैं जिहड़े चाहते नहीं कि तालिबान और अफगानिस्तान की जिहड़ी हकूमत है अब्दुल्ला और अशरफ गनी उन्हां दे नाल और अमरीका का जिहड़ा रोल है कि गलबात सिरे चढ़े, उहदे जाहिर है भावें उन्हूं
आइस इस्लामिक स्टेट के हवाले नाल कहा जाता है। पहला इहदा नाम आइसिस सी, उहदे च इराक एंड सीरिया च क्योंकि इहदा ओरिजन होण करके, लेकिन जाहिर है भी इहदे च रॉ दा मेन रोल है इंडिया दा। और बाकी किहड़े मुल्क ने जिहड़े अजकल इक्को बैड दे उत्ते ने, उन्होंने असी जिहड़ा है वह उन्होंने उत्ते भी फिक्स कर सकते हैं कि वह ने, लेकिन असी इन्हां नूं ही करांगे क्योंकि इन्हों का यह सी जे असी $2 बिलियन लाया, असी पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई, असी इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला चाबहार प्रोजेक्ट इन्हों का उड़िया, ईरान नूं चीन ने पासे किया। हुण जिहड़े मास्टर स्ट्रोक की गल है वह ये है कि ज्यों ही ये गलबात का होया, पाकिस्तान ने जिहड़े चीन दे अमरीका उहदे च अफगानिस्तान दे विच एनवॉय ने, उन्हां नूं मिस्टर ल्यू जियान उन्हां नूं इनवाइट किया कि भाई तुसी इस स्टेलमेट तो। हुण ये एक इन्हां दे लई बहुत वड्डा झटका है, और ये ईवन ज्योति मल्होत्रा दा ही कहना है, लैस दैन 24 आवर्स एगो इंडिया रिसीव्ड अनदर जोल्ट टू हर रीजनल एम्बीशंस एज पाकिस्तान मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी इनवाइटेड चाइना स्पेशल एनवॉय टू अफगानिस्तान लियो जियान टू इस्लामाबाद टू हेल्प एंड द 19-year वॉर इन द कंट्री। हुण वो उन्होंने चाइनीज़ डिप्लोमैट नू कर रहे हैं जी कि यह गल फसी हुई है, आओ तो तुसी ये एंड करो। हालांकि चाइना इनवॉल्व है पहले दिन तो, बीजिंग दे विच मीटिंग्स भी हुई हैं, पर इस टूवर्ड्स द फाइनल स्टेज जिते इंडिया ग्राउंड तो भी बाहर है, वो दर्शक भी नहीं है कि भी तू बैठ के देख सको की प्लेयर तो की होना है, उत्थे चाइना दा इन अफगानिस्तान सेंट्रल रोल, पाकिस्तान दी कैपिटल च होना, चाइना नू इनवाइट करना, वो ठीक इन्हें समझा हिंदू मल्होत्रा ने कि ये जोरदार जोल्ट है। फिर उन्होंने कहा कुरैशी इज टुडे मीटिंग ए तालिबान डेलीगेशन लेड बाय मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर हू द पाकिस्तानीज कैप्ट इन जेल सेफ हाउस फॉर मोर दैन 8 ईयर्स बिफोर रिलीजिंग हिम बैक टू तालिबान इन 2018 टू सैट द स्टेज फॉर द मीटिंग विद ल्यू। कि भई वो कहते हैं जी ये मुला अब्दुल ब्रादर अब्दुल गनी ब्रादर जिन्हों 8 साल पाकिस्तान ने अपनी जेल च रखे, ये हूँ जोड़ा उस गलबात लीड कर रहा, और चाइना का एनवॉय आया, और ये कहण तो बाद फिर उन्होंने इस हिंदू मल्होत्रा का यह कहना है, ज्योति मल्होत्रा, हिंदू मल्होत्रा भी एक अच्छी कॉलमनिस्ट है, और यदा जोड़ा ज्योति मल्होत्रा का कहना है, बैक इन द ईस्ट बंगलादेश द चाइनीज हैव बिन वूइंग प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एंड हर पावरफुल आर्मी लॉन्ग एनफ फॉर हर टू कंसिडर एन इक्वी डिस्टेंस बिटवीन बीजिंग एंड न्यू डेली। और पूरी डिटेल है कि भी ये बंगलादेश दे विच इन्नी कि इन्वेस्टमेंट चाइना ने कर दिती है, एक कंपलैक्स मिक्स ऑफ एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, द चाइनीज हैव जस्ट वन द टेंडर टू बिल्ड ए सैकेंड टर्मीनल इन सिलहट नियर बाई इंडिया। हुण ये भी जिहड़ा सिलहट बिल्कुल नाल लगता है, मतलब हुण जदों असीं कहिंदे आ कि आ जिहड़ियां सैवन सिस्टर्स वाला और सैवन सिस्टर्स वन ब्रदर, सिक्किम नूं ब्रदर कहिंदे ने, ते 7 स्टेटां ने, चिकन नैक भी है इधरों भी सिलहट वालों, जदों मर्जी इन्हां नूं उत्थों कट ऑफ कर सकदे ने। उन्हें कहा जी वो एग्रीमेंट भी चीन ने जित लिया जां चीन नूं मिलिया, विच इनकलूड एन अल्ट्रा मॉडर्न सबमैरीन बेस कॉल्ड BNS शेख हसीना इन कॉक्स बाजार, ए न्यू नेवल बेस इन पथखौली एंड द डिलीवरी ऑफ चाइनीज कॉरवेट टू स्ट्रेंथन इट्स नेवल फोर्सेज एंड 97% ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर बंगलादेशी गुड्स हैव मेड चाइना नॉट जस्ट बंगलादेश लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बट आल्सो इट्स लार्जेस्ट इन्वेस्टर। हमने सारे प्रोजेक्ट्स से जो मैं डिस्कस किया तो वक्त लगेगा। सो ये अपने आप च सबूत है कि भाई सिलहट दे विच उन्हों का जड़ा उसनू टर्मीनल डिवेलप करन तो लैके अल्ट्रा मॉडर्न सबमरीन बेस बनाना और नेवल बेस जड़ा पथकौली बनाना और नेवल फोर्सिज नू जड़ा उत्थे स्ट्रेंथन करन दा, और 97% जड़ियाँ बंगलादेश दीयां चीज़ां चीन च जांदे, उन्होंने कहा जी तुहानू कोई ड्यूटी देने की लोड़ नहीं, उन्होंने भारत तो वड़ेवें लैने ने। बड़ी सीधी जी गल है भी जो बंगलादेश नू ऑफर कर दिता चीन ने इन्नी हैवी इन्वेस्टमेंट, ये तो सड़िया दी कनेम दी गोलियां दे के कहिंदा हमने 145 देशों को COVID-19 से बचाया, क्या कीता तुहाडे अपने मार रहे ने, और किस लैवल तक जिहड़ा उत्थे फेलियर है, और
जिस पाकिस्तान नू हर गल दे लई फेल फेल कहा जाता है, दुनिया के बाकी इनकलूडिंग WHO और बिल गेट्स वो स्टडी कर रहे हैं पाकिस्तान मॉडल, क्योंकि पाकिस्तान ने COVID-19 नू कंट्रोल कर लिया। नहीं तो जिवें असी जे जून तक इन्ने होणगे, अगस्त तक इन्ने हो जाएंगे, अगे इन्ने होणगे, और इहदे कोई शक नहीं है इमरान खान इस सारे ते हालां जदों कंप्लीट लॉकडाउन लई नहीं सी मनदे, बहुत सारे नू लगदा सी कि भी इहनू समझ नहीं है भी मैडिकल बैकग्राउंड, शौकत खानम अपनी मदर के नाँ ते हॉस्पिटल है कि दूजा कि भाई का स्प्रैड किन्ने, पर जिहड़ी वाइज सी हुण सारे उस मॉडल नू स्टडी कर रहे हैं भी किवें लाइफ भी गोइंग ऑन होए, बट एट द सेम टाइम तुसी स्प्रैड नू भी चैक करो। फिर नेपाल दे हवाले नाले बीबी ज्योति मल्होत्रा कह रही है भी किवें उन्होंने ईवन 7 डिस्ट्रिक्ट की गल की है जी, उन्होंने जमीन भी चीन ने ले ली है, और उन्होंने कहा कि भी हुण काठमांडू दे नाल 2019 का जिहड़ा ड्राफ्ट एग्रीमेंट दोनों ने साइन किया सी उहदे थले माउंट एवरेस्ट जिहड़ी नेपाल च भी है, चाइना भी उसके उत्ते उहदी किन्नी हाइट है, इहदे ते भी रौला हुंदा जी अद्धा इंच घट गई है वध गई है गलत होया, वह भी जॉइंट ऑपरेशन है। सो उहदे च हुण लद्दाख जिहदे ते असी कल जिक्र किया सी कि भई बिपिन रावत किवें जिहड़ा है वो कर करा के फिर उस तनखाह ते काम करन दी गल है, लेकिन सो ईवन एज चाइना डिग्स इट्स हील्स इन लद्दाख के अड्डी लद्दाख दे विच चीन ने पक्की गढ़ दित्ती है, री इनफोर्सिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एयरलिफ्टिंग ट्रूप्स टू गार्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेंट फॉरन सैकटरी हर्ष सिंगला टू बंगलादेश लास्ट वीक ऑन स्पेशल एयरक्राफ्ट विद मैसेज ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, कि भी मोदी ने देखते हैं कि भी उत्थे लद्दाख च आ के जम गया, उन्हें बंगलादेश नू भेजा इनू फॉरन सैकटरी श्रृंगला नू, हुण इहदा की हशर होया। उन्हें कहा जी इहदे बावजूद कि असी जिहड़ा 1971 च देश बनाया, साडियां ब्लड टाइज ने ये वो, लेकिन इनू कोई लैण ही नहीं आया, बट वैन फॉरन सैकटरी श्रृंगला प्लेन लैंडेड नो सीनियर ऑफिशियल ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस केम टू रिसीव हिम और सी हिम ऑफ, इन शार्प कंट्रास्ट वैन ए टीम ऑफ 10 चाइनीज डॉक्टर्स अराइव्ड इन ढाका टू हेल्प बंगलादेशीज कंबैट कोरोना वायरस इन जून, फॉरन मिनिस्टर ए के अब्दुल मोमन केम टू द एयरपोर्ट टू वेलकम दैम। उन्होंने कहा जी चीन के 10 डॉक्टर आए तो जोड़ा फॉरन मिनिस्टर है वह खुद गया ढाका एयरपोर्ट से, तो ये जोड़ा इन्हों का फॉरन सैकटरी आ उत्थे धक्के खाता रहा, उन्होंने कोई लैंड भी नहीं आया एयरपोर्ट से, और ये उही हर्ष श्रृंगला जोड़ा बंगलादेश के एम्बेसडर भी रहा। उन्हें कहा जी ये कोई परसनल उसके खिलाफ नहीं है, वो जानता है सारे, पर इंडिया उन्होंने सनब दिता है कि वी डोंट गिव ए डैम, और इस उत्ते उन्हें कहा भी ये गल दसती है कि ये जोड़ा साढ़े हथों बंगाल निकल गया, और वन की रीजन फॉर मिसिंग वॉर्मथ इज़ द होम मिनिस्टर अमित शाह चार्ज इन 2018 दैट इलीगल इन इमीग्रेंट्स इन आसाम आर लाइक दीमक और टर्माइट्स। हूँ यह है बंगाली भी मच्छी खाते ने गल भुलते नहीं है कि 2018 च भी जो आसाम दियाँ चोणों वेले अमित शाह गया, फिर 2019 च बंगाल दे विच उन्हें पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कहा दुनिया के मीडिया ने कि स्योंक ने टर्माइट्स ने जिहड़े बंगाली ने और इन्हां नू कढ़ो, ये तुहाडे जॉब खा रहे हैं, इन्हां नू असीं कढ़ देंगे, और जो कुछ उन्होंने फिर किया CA दे थले दूजे दे थले, बंगाली उस खिते सब तो ज़्यादा पढ़े पढ़ने वाले लोग ने, भावें उन्हां दी मैड़ी लुंगी होएगी और रहन सहन लगेगा किसी नूं कि हर बंगाली ने 2-4 किताबां पढ़िया होंदियां और उन्हां नू पता है भी ये की ने। सो इस तों पहलां कि किसी होर नूं समझ आती वह चंगी तरह समझ गया कि भाई इन्हां दी औकात की है हिंदू तवियां दी, और उन्होंने जिहड़ा इस ते डिटेल है भी किवें हसीना अटैम्पटिड होई, और एंड च इन्हें कहा कि भी सर्टनली इंडिया जिहड़ा उन्हें बंगलादेश भी गवा लिया, और फिर कारगो कलकत्ता टू अगरतला भावें असी दे रहे हैं, जस्ट लाइक द फैक्ट दैट इंडिया हैज़ नॉट लॉस्ट अफगानिस्तान एटलीस्ट नॉट येट डिस्पाइट द फैक्ट दैट पाकिस्तान इज़ वेरी मच बैक इन द गेम ब्रोकरिंग द फ्यूचर विद इट्स गुड फ्रेंड्स द तालिबान विद हेल्प फ्रॉम बिग ब्रदर चाइना। उन्हें यह है भी हार के भी हम असी नहीं हारे, उन्होंने कहा जी अजय भी इंडिया कुछ कर ले, और है नहीं तो
पाकिस्तान लै गया बाजी लै गया और उन्होंने कहा भी दिल्ली नू बड़ा फिक्र है गवांड बारे और एक स्टेज ते सारा गवांड उदी स्पेल दे थले सी पर हुण सारा स्लिपिंग फ्रॉम इट्स ग्रैस्प और इस सारे च उन्हें कहा भी ये किवें ये जड़ियां बीजेपी दियां और दूसरियां पॉलिसीज ने इहदा नतीजा है कि नेबरहुड जिहड़ा है वो साडे हत्थां चों निकल गया सो असीं समझदे हां जदों असीं कहा भी पाकिस्तान दा ये मास्टर स्ट्रोक है तो जाहिर है कि ये अपने आप दे विच जदों ये रैटल होण जिवें कहिंदे अंबेडकर ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने एक बार कहा सी कि जदों ये मेजोरिटी कम्युनिटी वाले जिहड़े ने ये ट्रबल दिसण इन्हां नूं तकलीफ हो रही तो समझो अकलीयतां दा भला हो रहा है तो जे हुण ज्योति मल्होत्रा नूं नज़र आ रहा है कि ये 24 घंटिआं दे विच कुरैशी दे वापस आउण तों बाद पाकिस्तान ने एक वड्डा जोट दित्ता और चाइनीज़ एनवॉय नूं टेबल ते लिया के बिठा दिता तालिबान दे नाल नैगोशिएशन और जाहिर है कि इस वेले जिहड़ा स्टेलमेट है आपस जिहड़ी रुकावट है उन्हों दूर करन दा सो ये पाकिस्तान दी एक सक्सैस है और ये दस रही है कि भाई मोदी मोर दे नाल क्यों खेड रहा है क्योंकि हुण वो चार चफेरे जिहड़ा शोर है उन्हों समझदा है भी शायद मोर जिहड़ा है वो पैड़ां पा के उस दुख नूं दूर कर दे पर हकीकत हकीकत हुंदी है और ये जिहड़े सियाने काम वाली गल कही है हुण इन्हां दा हाल यही है। जी डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। सो इत्थे लैणे आ ब्रेक, ब्रेक तो पहला असीं अपने दर्शकां ते स्रोतियां नूं अपील ते बेनती कर दी व्यूअर्स हाँ जिस तरह कि तुसीं जानदे हो कि टी वी 84 एक पंथक चैनल है और असीं चाहवांगे कि तुसीं टी वी 84 दी वध तों वध माइक सहायता करो। तुसीं अपनी माइक सहायता साडी वैबसाइट tv84.tv ते जा के पेपल दी वरतों करके वन टाइम डोनेट कर सकदे हो, मंथली डोनेट भी कर सकदे हो। ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ 36-1 37th Avenue ਲੌਂਗ ਆਇਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।